यूक्रेन सीमा पर रूसी सेना की तैनाती को लेकर अमेरिका एक्शन में है। रूस ने अपने सैनिकों को यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया। ऐसे में आशंका बढ़ गई कि वो यूक्रेन पर हमला कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसके बाद खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बंस को मास्को भेजा ताकि रूस को चेतावनी दी जा सके। इस बीच विपक्षी पार्टी रिपब्लिकन के नेताओं ने बाइडेन प्रशासन पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। इनका कहना है कि अमेरिका को भी यूक्रेन के पास अपने सैनिक तैनात कर देना चाहिए ताकि रूसी सेना की आक्रामकता को रोका जा सके। रूस को धमकाने CIA प्रमुख मॉस्को पहुंचे। तो वहीं अमेरिका ने CIA प्रमुख को इसलिए मॉस्को भेजा ताकि रूस पर दबाव डाला जा सके। मंस को भेजने के पीछे बाइडेन का मकसद रूस को ये बताना है कि अमेरिका यूक्रेन सीमा के पास रूसी सैनिकों की तैनाती की बारीकी से निगरानी कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख का रूस दौरा काफी दुर्लभ माना जाता है। रिपोर्ट में दावा किया गया CIA प्रमुख मंस ने क्रेमलिन में सैनिक गतिविधियों में शामिल वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों के साथ सीधे बातचीत की है। रूसी अधिकारियों के साथ CIA चीफ ने बातचीत की। यूक्रेन के सूत्रों ने बैठक के बारे में जानकारी दी और बताया कि बंस ने रूसी अधिकारियों के साथ यूक्रेन की सीमा पर सैनिक और हथियारों की अनियमित तैनाती को लेकर अमेरिका की चिंता से अवगत कराया। रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए बाइडेन प्रशासन ने हाल के दिनों में अपने प्रयास तेज कर दिए। सूत्रों ने CNN को बताया, रूस में बैठक के बाद CIA प्रमुख बंस ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोदिमिर से फोन पर बात की, जिसके बाद वहां तनाव कम करने के लिए गुरुवार को अमेरिका ने यूक्रेन की राजधानी कीव में विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा है। कीव में पैदा हुआ ऊर्जा संकट। अमेरिकी सरकार की इस तरह की हड़बड़ी से पता चलता है कि बाइडेन प्रशासन रूसी सेना की तैनाती को गंभीरता से लेता है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव से यूक्रेन की राजधानी कीव में ऊर्जा संकट पैदा हो गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंसकी ने कहा कि सैन्य तैनाती और ईंधन सप्लाई रोकने से रूसी आक्रामकता का पता चलता है। दूसरी ओर अमेरिकी रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना की तैनाती सामान्य नहीं है। हम करीबी से स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अमेरिका मदद के लिए आगे आएगा। किर्बी ने साफ तौर पर कहा, रूस की कोई भी आक्रामकता अमेरिका के लिए चिंता की बात है। ऐसे में माना जा रहा है कि अमेरिका यूक्रेन की मदद के लिए आगे आएगा। इससे पहले अप्रैल महीने में भी रूस ने सीमा पर अपनी सेना की तैनाती बढ़ा दी थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंका बढ़ गई। हालांकि यूरोपीय संघ और अमेरिका के दबाव के बाद रूस ने अपने सैनिकों को पीछे खींच लिया था। रूस और यूक्रेन के बीच क्यों है दुश्मनी? रूस और यूक्रेन के बीच साल 2014 से तनाव बना हुआ है। उस वक्त रूस ने जबरन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था, जिसके चलते डोनबास क्षेत्र जो कि यूक्रेन में भी तनाव उत्पन्न हो गया था। और यूक्रेन का कहना है उस क्षेत्र में रूस समर्थित अलगाववादियों से लड़ रहा है, जिसमें अभी तक 14,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। रूस और यूक्रेन के बीच साल 2015 में युद्ध विराम हो गया था, लेकिन तनाव में जरा भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।